नमस्कार फ्रेंड्स, मैं स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल हेल्पिंग हाउसवाइफ में। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिए और बताइए कैसे हैं आप। आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलिए आज मैं आती हूं फिर से अपने टॉपिक पे कि प्रेगनेंसी में अगर ये सपने दिखाई दें तो उनका क्या मतलब होता है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि मैं लड़का और लड़की में कोई भेद नहीं करती, ना ही मेरा चैनल इस चीज़ को बढ़ावा देता है। ये वीडियो सिर्फ एक प्रेग्नेंट लेडी की जिज्ञासा व उत्सुकता को कम करने के लिए बनाई गई है। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि भगवान खुद सपने में आकर हमें यह संकेत देते हैं। अगर आपके सपने में ठाकुर जी आते हैं, लड्डू गोपाल आते हैं, ठाकुर जी किसी भी रूप में आते हैं तो वे अपने आने का संकेत देते हैं, और अगर आपके सपने में शेरावाली माता आती हैं तो वह भी अपने आने का संकेत देती हैं। ठाकुर जी किसी भी रूप में सपने में आते हैं और आपको दर्शन देते हैं तो इसका यही सीधा साधा मतलब होता है कि ठाकुर जी खुद बेटे के रूप में आपकी गोद में आने वाले हैं। और अगर शेरावाली माता आपके सपने में आती हैं, बार बार यही आपको लगातार यही सपने आते रहते हैं, शेरावाली माता आती हैं या कोई और देवी किसी भी रूप में आती या कोई और देवी किसी भी रूप में आती हैं, जैसे कालका माता, झंडे वाली माता, वैष्णो माता किसी भी रूप में आ सकती हैं, तो वह अपने आपके घर में बेटी आने का सीधा सीधा संकेत देती हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिए। Thank you. Thanks for watching.